अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एजुकेशन में अप्रोचेस हमने देखनी है अभी और इसके मेथड्स देखने हैं। तो अप्रोचेस जो है ना, आपने स्लाइड से कर लेनी है, बिकॉज आई थिंक ये एक्सेल में नहीं मुझे मिली ना, तो पार्क से ये जो चीज़ें हैं पार्क से ली गई हैं, तो इनकी आपने जस्ट ये जो स्लाइड्स हैं ये कर लेनी है, ठीक है, बिकॉज देर रफ। तो इसमें कौन कौन सी अप्रोचेज होती हैं आपसे पूछते हैं, वट आर द अप्रोचेज इन हेल्थ एजुकेशन। तो आप कहेंगे रेगुलेटरी अप्रोच होती है, सर्विस अप्रोच होती है, एजुकेशनल अप्रोच होती है और प्राइमरी हेल्थ अप्रोच होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है लीगल या रेगुलेटरी अप्रोच, ठीक है। ये क्या होती है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो कोई इंटरवेंशन या कोई लीगल मतलब कोई चीज़ सेट करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि ह्यूमन बिहेवियर को ठीक किया जाए। फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज एक्ट, कि इस एज में बच्चे की शादी करेंगे, इस एज में नहीं करेंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे लोग। तो इस तरह की गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन करती है या लॉ जो इंटरवेंशन करता है उसको कहते हैं कि लोगों की ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन एजुकेशन के लिए हम ये अप्रोच यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि सिंपल होता है, क्विक मेथड होता है, लेकिन ये है कि इमरजेंसी मेथड्स में जो है ना ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि लोगों को एक अप्रोच की तरफ लेके आया जाए। लेकिन इसके लिमिटेशंस ये होती हैं कि कुछ लोग जो है वो नहीं अपनी मतलब मर्जी अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वो कहते हैं अल्कोहल पीना है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, तो लोग अपनी मर्जी से एक्सरसाइज करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इस तरह की जो एजुकेशन होती है, हेल्थ एजुकेशन, लाइक अल्कोहल नहीं पीना, स्मोकिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज करनी है, तो इस तरह की चीज़ें तो गवर्नमेंट जो है ना फोर्स नहीं कर सकती किसी को, तो उनको जो है इन्फोर्स नहीं कर सकते हम किसी तरफ। तो दिस इज़ एक्चुअली द रेगुलेटरी अप्रोच, और इसकी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि होता क्या है। देन इज़ अ सर्विस अप्रोच। सर्विस अप्रोच क्या होती है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं ना, वो हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, सर्विस देते हैं हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, डोर स्टेप्स पे, उनके घर के दरवाजे तक उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। अभी होता है ये भी फेल्ट नीड्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि इंडिया में जो विलेजेस कंस्ट्रक्ट किए गए थे, ठीक है, मतलब विलेजेस में ना उन्होंने वाटर सील लैटरिन जो है ना ये लगाई थी, हमने उसमें देखा था एनवायरनमेंट में क्या होते हैं। तो लोग जो हैं क्योंकि आदी हो चुके थे कि बाहर हमने ओपन एरिया में ही डेफिकेशन वगैरह करनी है, तो उनको मतलब अच्छा ही नहीं लगता था कि पता नहीं है क्या इन्होंने बना दिया वाटर सील लैटरिन, हमने तो नहीं यूज़ करनी, हम तो अपनी वही वाली आदत जो है ना इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह हम रहेंगे। तो इस वजह से लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे ना, लोग अपनी मतलब उसको, तो गवर्नमेंट ने उनको फ्री प्रोवाइड किया था ये सब कुछ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने तो फ्री सप्लाई किया, फ्री सर्विस उनको प्रोवाइड की, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। इट मीन्स कि ये उनकी फेल्ट नीड्स पे है कि लोग चाहते ही नहीं है कि वो अपनी जो है ना मतलब लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें और जो है ओपन एरिया में डेफिकेशन की बजाय इस तरह से जो है, जैसे आजकल भी कुछ लोग हैं वो वॉशरूम हो भी तो यूज़ नहीं करते, उनको आदत पड़ गई होती है कि ओपन एरिया में जाके डेफिकेशन करनी है। तो दिस इज़ एक्चुअली द सर्विस अप्रोच हम उनको देते हैं, लेकिन लिमिटेशन ये होती हैं कि लोग अपनी नहीं एक्सेप्ट किया होता है। थर्ड चीज़ के अप्रोच इन द हेल्थ एजुकेशन, के हेल्थ एजुकेशन में अप्रोच हो जो लोग होते हैं उनकी डिफर करती हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेडिशंस, एटीट्यूड्स, बिलीव, नॉलेज, सारा लोगों का डिफर कर रहा होता है। तो सिंगल अप्रोच जो है वो सूटेबल नहीं होती, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेज यूज़ करती पड़ती हैं ताकि हर एक इंसान जो है ना उसको हेल्थ एजुकेशन जो है वो मिल सके। तो डिफर मतलब ग्रुप ऑफ अप्रोचेज हमें यूज़ करनी होती हैं। फिर होती है प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, ये वही होती है कि लोग अपनी फुल पार्टिसिपेशन करें, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करें प्लानिंग में और हेल्थ प्लानिंग और डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज में। मतलब कि वही हो गया प्राइमरी हेल्थ केयर के चैप्टर में जो हमने पढ़ा था ना, उसके जो प्रिंसिपल्स थे कि एक्चुअली क्या है कि फुल पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वगैरह। तो दैट इज़ एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच के लोग जो हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर के जरिए जो है ना उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी इसकी अप्रोचेज थी। कौन कौन सी थी? रेगुलेटरी अप्रोच थी जिसमें गवर्नमेंट का पार्ट था, सर्विस अप्रोच थी जिसमें हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, एजुकेशनल अप्रोच है कि लोगों को एज अ ग्रुप ऑफ अप्रोचेस प्रोवाइड की जाएँ, और प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच है जिसमें एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ केयर की प्रिंसिपल यूज़ करके। तो ये आपको आना चाहिए। फिर आते हैं मॉडल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, के हेल्थ एजुकेशन में मॉडल्स क्या हैं। तो ये मेडिकल मॉडल होता है, सबसे पहले देखें एक मेडिकल मॉडल होता है, उसमें ये होता है कि इलनेस और ट्रीटमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है। जो पेशेंट होता है वो इलनेस लेके आता है कि मुझे ये फील हो रहा है, फिर हम डिटेक्ट करते हैं कि वेदर उसको इलनेस है या डिजीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉडल होता है हेल्थ केयर का, हेल्थ एजुकेशन का, कि हम लोगों की जो इलनेस होती है, डिजीज़ होती है, उसको डिटेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के थ्रू, लोगों को साइंटिफिकली अप्रूव नॉलेज देते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द मेडिकल मॉडल, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल के लेवल तक होता है कि पेशेंट आता है और डॉक्टर उसको बता देता है उसकी इलनेस के बारे में। दूसरा जो होता है वो मोटिवेशनल मॉडल होता है। मेडिकल मॉडल तो हमने पढ़ लिया, मोटिवेशन मॉडल ये होता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए हेल्थ एजुकेशन की तरफ। तो इसमें क्या होगा मोटिवेशन मॉडल में? मोटिवेशन मॉडल में ये होता है कि लोग जो हैं उनको मोटिवेशन की जाए, हेल्थ एजुकेशन ही ना सिर्फ दी जाए, कि लोग जो है ना इन्फॉर्मेशन तो लेते थे मेडिकल मॉडल से कि ये डिजीज़ है, इसके ये नुकसान है, ये फ़ायदे हैं, लेकिन जो है वो उसकी तरह मोटिवेट नहीं होते थे ना। तो फिर हमने मोटिवेशन मॉडल दिया कि लोग अवेयर हों, फिर मोटिवेशन करें और फिर एक्शन लें, तो वो अपनी डिसीजन मेकिंग करें और इस तरह से इन स्टेजेस के साथ गुजरें, इवेलुएट करें और डिसीजन मेकिंग लें, ठीक है। तो ये मोटिवेशन मॉडल था। इसमें एक मॉडल पूछते होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, आईटा मॉडल ना, तो उसके नाम से आता है वो मैं आपको बता देती हूँ।
सकती हूँ। सोशल इंटरवेंशन मॉडल ये था कि ये जो दोनों मॉडल्स थे ना, मेडिकल और मोटिवेशनल मॉडल, ये इंडिविजुअल लेवल तक थे। सोशल इंटरवेंशन में उन्होंने सोचा कि इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियर चेंज नहीं करना, हमने पूरी सोसाइटी का बिहेवियर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सोशल, वो जो हमें बताते हैं सोशल ग्रुप्स के थ्रू, पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के थ्रू, हम पूरे ग्रुप को एक्चुअली जो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि पूरी सोसाइटी का करेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदे का करेंगे तो वो दूसरे को मोटिवेट करेगा, दूसरे के करेंगे तो वो तीसरे को मोटिवेट करेगा। ग्रुप को हमने सोशली, हमने लोगों को स्टेबल बनाना है, ठीक है। इस तरह से ये होता है कि ज़्यादा जल्दी हेल्थ एजुकेशन होती है, रिड्यूसिंग स्मोकिंग और अडॉप्शन ऑफ द फैमिली नॉर्म के छोटी फैमिली होनी चाहिए, एज ऑफ मैरिज की रेज करनी है, एज पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एलिमिनेशन ऑफ द डाउडी वगैरह, इसमें सोशल अप्रोच हमें यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपने रीड कर लेना जस्ट कि सोशल इंटरवेंशन मॉडल क्या है। तो ये तीन मॉडल्स होते हैं हेल्थ एजुकेशन के, मेडिकल मॉडल, मोटिवेशनल और सोशल इंटरवेंशन मॉडल। एक चीज़ें जो आती होती है वो पेपर में, वो है हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग क्या होती है कि आइडेंटिफिकेशन करना, एलेबोरेशन करना रिसोर्सेज को, कंस्ट्रेंट्स को जो आए हुए हैं, मीन्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग इन फ्यूचर के लिए हेल्थ केयर की। और ये जस्ट आपने देख ली, नहीं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये आपने करनी है प्लानिंग साइकिल के स्टेप्स आपने देख लेने हैं, ये आपने बना लेने हैं पेपर में। एनालिसिस ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ की जो सिचुएशन चल रही है उसको एनालाइज करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपने इस्टेब्लिश करने हैं। उसके बाद रिसोर्सेज की असेसमेंट करनी है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं। फिर हमने प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी है। फिर हम प्रायोरिटीज़ फिक्स करने के बाद हमने प्लान बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने इंप्लीमेंटेशन करनी है प्लान के ऊपर, उसको इवेलुएट करना है। तो ये स्टेप्स हैं प्लानिंग के, ये आपने देख लेने अच्छे से, बिकॉज हेल्थ प्लानिंग साइकिल जो है बनाने के लिए आती होती है। ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज़ आईटा मॉडल? तो आपने लिखना होता है ए फॉर अवेयरनेस। सबसे पहले हम अवेयरनेस देंगे आवाम को, उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट उनका पैदा हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उनको एवेल्यूएट करेंगे, फिर ट्रायल करेंगे, फिर वो अडॉप्शन करेंगे, ठीक है। मतलब कि वो सबसे पहले हम जब अवेयरनेस कर दी हमने, तो बाकी सारा उनका काम है। वो इंटरेस्ट लेंगे, सबसे पहले एवेल्यूएट करेंगे कि जो ये हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं उससे खुश होंगे, एवेल्यूएट करेंगे, कहेंगे हमने तो नहीं अडॉप्ट करना, फिर वो ट्रायल करेंगे, थोड़ा सा चखेंगे उसको कैसा है, फिर अडॉप्ट कर लेंगे फाइनली। तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेलुएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन इज़ एक्चुअली द आईटा मॉडल। को हम आईटा मॉडल भी कहते हैं, इसको हम अडॉप्शन मॉडल भी कहते हैं। फिर आपको ये टर्म्स आनी चाहिए, इनकी बस आना चाहिए एब्रीवेशन का क्या मतलब होता है, बाकी आप रीड कर लीजिएगा। पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो अगर आपको पूछेंगे कि वर्ड स्टैंड फॉर पर्ट, ठीक है, पर्ट स्टैंड फॉर वर्ट, तो आपने लिखना है प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक। अगर वो आपसे पूछें वर्ट CPM स्टैंड फॉर, तो आप लिखोगे क्रिटिकल पाथ मेथड। देन ये छोटा सा टॉपिक है, हम देख लेते हैं। वो पूछते हैं व्हाट HMIS स्टैंड फॉर, तो आपने लिखना होता है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। मतलब कि जो हेल्थ की मैनेजमेंट होती है उसका जो पूरा एक इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उसका एक सिस्टम होता है। तो इट इज़ अ सिस्टम इन विच देर इज़ अ कलेक्शन, यूटिलाइजेशन, एनालिसिस, ट्रांसमिशन, किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन की, इज डन फॉर कंडक्टिंग द हेल्थ सर्विसेज ट्रेनिंग एंड रिसर्च। हम ये डाटा क्यों लेते हैं, क्यों कलेक्ट करते हैं, क्यों यूटिलाइज और एनालाइज करते हैं, क्यों इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करते हैं उसकी, ताकि हेल्थ सर्विसेज को कंडक्ट करें, ट्रेनिंग करें और रिसर्च करें, ठीक है। तो लोगों का डाटा लेना है अबाउट द हेल्थ। हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम इन्फॉर्मेशन को ले लें लोगों से, हमने एक्शन को इम्प्रूव करना होता है उसको यूटिलाइज करके। तो उसके बाद डेफिनेशन के बाद यह आता है कि डाटा क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं इन द साइंटिफिक वे, उसको हम डाटा कहते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, एक मीनिंगफुल वे में लेके आते हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, जिसमें डाटा अरेंज्ड फॉर्म में आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, डिफरेंस पता होना चाहिए। सो ये डाटा होता है नंबर्स, लेकिन ये नंबर को हमने यूज़ करके उस इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन में जो है किया और उसको एक फ़ोन नंबर कॉल में लाई और पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। फिर इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं HMIS के, डेमोग्राफी होती है, जो भी वाइटल इवेंट्स होते हैं उनका हमें पता चलता है इससे, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के, एयर पोल्यूशन कितनी जा रही है। इसके अलावा जैसे आजकल लाहौर में जो है क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग होती है सर्दियों में, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेमोग्राफी को देखता है, वाइटल इवेंट्स को देखता है, हेल्थ स्टेटस देखता है लोगों की कैसी चल रही है, मॉर्टिलिटी कितना है, मॉर्बिडिटी कितनी है, डिसेबिलिटी कितनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है लोगों की, हेल्थ रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं, हॉस्पिटल मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ बेड्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो यूटिलाइज हुई हैं या नहीं। इसके साथ साथ क्या है, आउटकम ऑफ द मेडिकल केयर,
उसकी मतलब मेडिकल केयर के क्या आउटकम आ रहे हैं, और फाइनेंशियल हम सारा स्टेटिस्टिक्स रखते हैं. दिस इज एक्चुअली दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ HMIS. हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं ना, तो इसमें हम पॉपुलेशन लोगों की जो मर्दमशुमारी होती है वो करते हैं, पॉपुलेशन सेंसिस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स आ जाता है जिसमें मैरिज है, डिवोर्स है, एडॉप्शन है, बर्थ्स हैं, डेथ्स हैं, ये सारी आ जाती हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन होती है इसमें. इधर से हम लेते हैं हेल्थ इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन करते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर डिजीज़ रजिस्टर्स होते हैं, रिकॉर्ड लिंकेज होता है वेयर वी हैव द बर्थ एंड द डेथ सर्टिफिकेट्स, उससे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और जो है मैन पावर स्टेटिस्टिक्स की हेल्थ देखते हैं, फिर हम इन्वायरमेंटल हेल्थ देखते हैं लोगों की, ठीक है, उससे डाटा लेते हैं, फिर पॉपुलेशन बेस्ड जो है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाती है, ये हमें डेमोग्राफी के चैप्टर में देखा था, और एजुकेशन लेवल लोगों का देखते हैं, ठीक है. देन द पर कैपिटा इनकम के हर इंसान जो है, हर जो पर्सन है वो मुल्क के अंदर कितनी कमाई कर रहा है, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम, ठीक है, कि हर पर्सन की कितनी इनकम आ रही है, तो हम कैलकुलेट करते हैं. और इसके साथ साथ जो है हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं. नॉन क्वांटिफाइबल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको एक्चुअली हम जो है वो फ्यूचर वर्क के लिए प्लानिंग करते हैं सारी. तो दीज आर एक्चुअली द ऑल द सोर्सेज ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो सेंसिस से हम लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, इसके साथ साथ हम जो है नोटिफिकेशन ऑफ डिजीजेज से पता लगा लेते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स जितने भी होते हैं कि रिकॉर्ड्स होते हैं ना हॉस्पिटल में, हर एक पर्सन के डिजीज़ रजिस्टर्स होते हैं, रिकॉर्ड लेनेज होते हैं, हेल्थ सर्विसेज रिकॉर्ड्स होते हैं, मैन पावर स्टैटिस्टिक्स करते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ डेटा होता है, पॉपुलेशन बेस्ड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक सर्विस होते हैं जिसमें सर्वेज होते हैं जिसमें पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट होती है, डेमोग्राफिक सर्विस होते हैं, नॉन क्वांटिफाइबल इन्फॉर्मेशन होती है. सर्वे क्या होता है कि लोगों से हम जो है किसी भी फीडबैक लेते हैं अबाउट के क्या चल रहा है, ठीक है. तो एपिसोडिक मेथड जो होते हैं ऑफ असेसिंग द वाइडर सिचुएशन बाय ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेटिव सब ग्रुप, उनसे हम सर्वे लेते हैं कि आप इससे कैसे सेटिस्फाई हैं, और सारी लोगों से एक्चुअली हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, असेस करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है. इसकी डिफरेंट सर्विस की टाइप्स होती हैं, हेल्थ सर्विस हो सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस ये जो नॉलेज सर्विस हो सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज यूटिलाइजेशन सर्विस हो सकते हैं, पर्सनल सर्विस हो सकते हैं, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल और एक्सपीरियंशियल सर्विस हो सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम जैसे इसको रीड करें एक दफ़ा कि हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक में है क्या. अच्छा, हेल्थ सिस्टम रिसर्च के बारे में ये है कि हेल्थ सिस्टम रिसर्च होती है ना, उसको आपने जस्ट ये देखना है कि एक्चुअली इसमें लोगों का पता लगाया जाता है कि वो उनकी एक्सेस क्या है हेल्थ सर्विसेज तक, ठीक है, वो उनको कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उनको केयर मिल रही है, कितनी मिल रही है, उनको कॉस्ट कितनी है, कितने पैसों की दवाइयाँ मिल रही हैं लोगों को, और इसके रिज़ल्ट में केयर के रिज़ल्ट में लोगों के साथ क्या हो रहा है. तो इस सब को हम कहते हैं हेल्थ सिस्टम रिसर्च, ठीक है. तो साइंटिफिक मेथड होता है फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब कि जो पूरा हेल्थ का सिस्टम है ना उसकी रिसर्च करनी है कि क्या चल रहा है एक्चुअली, ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम कर रही हैं, स्ट्रक्चरल लेवल पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन कितना है उनका, ठीक है, हेल्थ और डिजीज़ के बारे में देखना है, और सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स को देखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, एक्शन ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेटरी, मल्टी कल्चरल इशूज़ को डिस्कस किया जाता है, और स्किल्स को. बस ये है कि हेल्थ सिस्टम रिसर्च कि हेल्थ सिस्टम कैसे जा रहे हैं, लोगों को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है हेल्थ में, और कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सब कुछ होता है. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैनेजमेंट, प्लानिंग और रिसर्च. कि मैनेजमेंट करनी होती है सारी हेल्थ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती है उसकी, प्लानिंग करनी होती है कि फर्दर हमने क्या करना है, क्या चल रहा है, और हमने उसको कैसे आगे लेके जाना है, ठीक है, और हेल्थ जितनी भी डिजीज़ हैं उनकी रिसर्च रहती है इसमें, ठीक है. और अब जो अच्छा हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है उसकी थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए उसके, पॉपुलेशन बेस्ड होने चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कशन हो सिर्फ, ठीक है. इसके अलावा जो है डाटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ये मेन है इसके, मतलब अगर ये मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर किसी की इन्फॉर्मेशन ली है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है. तो इस तरह की थोड़ी था ये छोटा सा टॉपिक था हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसके साथ थोड़ा लिंक था तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. लेकिन पेपर में मोस्टली यही पूछते हैं व्हाट HMIS स्टैंड्स फॉर, तो आपने लिखना होता है हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ज़्यादातर यही पूछते हैं.